We are going to discuss the subsequences of certain sequences. In fact, subsequences jo hain, koi bhi sequence diya gaya ho, we can define in a certain way the subsequences of that sequence. So, subsequence ki formal definition hum discuss karenge aur kuch examples jo hain, wo discuss karenge. Humne discuss kar liya hua hai ki convergent sequence kya hota hai, bounded sequence kya hota hai, monotonic sequence kya hota hai. So, sequence के correspond हम एक term जो है concept जो है introduce करने जा रहे हैं what we call the subsequence. So subsequences of a sequence and then I will give you certain examples in which the concept or formal definition of the subsequence will be made more clear to you. So a sequence TK is said to be the subsequence of a sequence SN such that कि आपका जो टी के सीक्वेंस है ये एस एन सीक्वेंस में से ही इसकी टर्म्स ली गई हो और वी विल बी एबल टू राइट डाउन टी के इक्वल्स एस एन सबस्क्रिप्ट के वेयर एन के जो है ये इंटीजर्स क्योंकि जो आपका लार्जर सीक्वेंस है उसी में से आप कुछ टर्म्स जो है वो एक्सक्लूड या निकाल रहे हैं तो आपका जो एन के जो है इट मस्ट बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स ठीक है देन वी विल से दैट द टी के इज द सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एस एन यहां पे जो टर्म लिखी हुई है वेयर एन के इज एन इंक्रीजिंग इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये इंक्रीजिंग का जो वर्ड है ना यू हैव टू रिमेंबर दैट इसको हम जब नेक्स्ट रिजल्ट्स या थ्योरम्स जो है वो डिस्कस करेंगे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एन के जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए इन द डोमेन ऑफ एस एन ठीक है वी डिनोट अ सबसीक्वेंस बाय टी के और एस सबस्क्रिप्ट एन सबस्क्रिप्ट के जो के इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स द फर्स्ट सीक्वेंस एस एन इक्वल्स वन ओवर एन आपको पता है n 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on and so forth. This is a sequence. अब अगर मैं n equals 2k, even numbers का subset ले लूं, और of course, k अगर कोई भी integer है, z, positive z में से, positive integer है, तो 2k जो है, ये increasing sequence होगा. That will be increasing sequence of integers. होगा ना अब एस टी के मैं डिफाइन करता हूं एस टू के तो ये टी के की टर्म्स क्या होंगी वन वन होगा अगर मैं के इक्वल जीरो लूंगा तो फिर वन होगा के इक्वल जीरो तो यहां पे मैंने लिया ही नहीं हुआ तो के पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है सो वन बाय टू वन बाय फोर वन बाय सिक्स सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑफकोर्स 2k जो है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है सो दिस विल सेटिस्फाई ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ द सब सीक्वेंस डेफिनेशन एंड हेंस इट इज अ सब सीक्वेंस जो कि मैंने टी के लिखा हुआ है ये यहीं पे लिखा हुआ है देन लेटिंग एन के इक्वल्स 2k yields द सब सीक्वेंस विच इज गिवन बाय एस टू सबस्क्रिप्ट के इक्वल्स 1 ओवर 2k विच स्टार्ट फ्रॉम 1 बाय 2 1 बाय 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ 1 over 2k. Similarly, we can have a sequence n equals 2k minus 1. 2k minus 1 odd number hoga. Aur ye bhi increasing hoga. That will start from 1, 1 by 3, 1 by 6, so on and so forth. And letting, ye yahan pe likha hua hai, nk equals 2k minus 1 or 2k plus 1. Agar main k jo hai, wo positive number se le raha hun, yields the subsequence this one, jiski nth term jo hai, main is tarah likhunga, 1 over 2k plus 1, k equals, not se start kiya ja sakta, 1, 1 by 3, so on and so forth. So this is another subsequence. Now, we know that this sequence, limit n approaches to infinity, 1 over n equals 0. What about the subsequences? Ye bada hi important question hai. If you have a convergent subsequence, then what about the subsequences? A convergent sequence hai,
उसके सब सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे, अगर कन्वर्ज करेंगे तो उनका लिमिट जो होगा और जो सीक्वेंस जो पेरेंट सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट होगी उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट तो उसके भी सब सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं एक ऐसा सीक्वेंस लिखा हुआ है जो कि डाइवर्ज करता है, लेकिन इसके ऐसे सीक्वेंसेस फाइंड आउट किए जा सकते हैं सब सीक्वेंसेस जो कि कन्वर्जेंट हों। इनफैक्ट यही रिलेशनशिप कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगे या ना के नहीं होंगे, अगर कन्वर्जेंट होंगे तो उनकी लिमिट क्या होगी ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन वी कैन राइट डाउन टू सब सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल एस सबस्क्रिप्ट 2k 1 प्लस 1 ओवर 2k व्हेन k अप्रोचेस टू इंफिनिटी इट्स कन्वर्जेंट। सी ये ऐसा सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस इट्सेल्फ डाइवर्ज कर रहा है लेकिन उसका सब सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है जो कि कन्वर्ज कर रहा है टुवर्ड्स वन। सिमिलरली वी कैन हैव अनदर सब सीक्वेंस जो कि एस सबस्क्रिप्ट 2k प्लस 1, जो कि ये सीक्वेंस इस तरह सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस डिफाइन किया गया है। नाउ दिस व्हेन k अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टुवर्ड्स माइनस 1। सो नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होंगे या नहीं होंगे, अगर वो कन्वर्जेंट होंगे तो क्या वो किस उनकी लिमिट क्या होगी, और अगर ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और हमने ये एग्जांपल देख ली है एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो उसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं, और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो सब सीक्वेंसेस जो हैं वो एक ही लिमिट को कन्वर्ज करें, जैसे हमने देखा एक एग्जांपल में कन्वर्ज कर रहा है सब सीक्वेंस वन को और दूसरी एग्जांपल में सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है माइनस वन को। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक ऑफ सब सीक्वेंसेस इन द नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल्स।